ताबो से लगभग 11 किलोमीटर पीछे एक पोह विलेज आता है, पोह POH। तो वहाँ तक रोड तो ऑलमोस्ट सही है, ठीक है, और नेटवर्क वहाँ पे कोई भी नहीं है, किसी भी सिम का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो रेडी हो गया ये अकॉर्डिंग टू दैट। अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट टाइम हमने 6-7 बजे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, बट शायद नहीं पहुँच पाएंगे, लेट्स सी। और ताबो के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर रहे हैं, और देखते हैं वहाँ जाके हमें कुछ देखने के लिए मिलता है या गांव वालों ने सब कुछ बंद किया है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो भाई आपका नाम? मेरा नाम अनिल। अनिल, अच्छा, तो क्या नाम है इस गांव का? हो। ओके, कितनी इसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है? 4-5 तक होगा सर। कितना? 500 तक है इसमें। देखने में छोटा गाँव लगता है। अभी और है। अच्छा, अभी काफ़ी है, ठीक है। तो ये सेफ भाई यहीं पे होता है? नहीं होता, सेफ है आप लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क वगैरह होता नहीं है क्या? ना ना, आगे आगे 10 किलोमीटर आगे होते हैं। देखो, अनिल भाई ने हमें दिए हैं सेब, बहुत बहुत थैंक्स आपका। और ये सेब लोकल सेब है, इनके खुद के घर के। थैंक यू। रुकने का नहीं है सर, आपको निकलना पड़ेगा, गांव वाले देखेगा बोलेगा बाहर। ओके, बिल्कुल समझ गया मैं, समझ गया। सेब के लिए आपका बहुत थैंक्स। और हमें पता है इस टाइम कोरोना की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमने पैड पीछे लगाया है अपना, ठीक है। आप लोग पूरे ले जाओ। ना, कोई बात नहीं, आप रखिए रास्ते में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनके काम आएंगे। थैंक यू, ये बहुत अच्छे सेब हैं, इनके देख के ही लग रहा है। थैंक्स करो भैया को। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तो दोस्तों, देखिए हिमाचल के गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग गाँव में अलग अलग टाइप के। तो इन्होंने पानी के लिए, हमने पूछा इनसे, तो इन्होंने बताया आगे जाके आपको पानी मिलेगा ढाबों में। तो सीरियसली, ये सेब बहुत अल्टीमेट सेब होंगे, क्योंकि इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि ऐसे सेब तो मैंने नीचे अभी खाए ही नहीं है। महेश जी, एक बार आप क्लोज अप दो। सेब दिखाओ मेरे पास। ये देखिए, पूरा रेड। टेस्टी भी बहुत लगता है। बहुत टेस्टी। अभी हम इसको धोके, अभी हम सबसे पहले धोके इसको खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू पोह विलेज के दोस्तों। तो दोस्तों, पोह में आप देखेंगे जिन भाई साहब ने हमें सेब दिए, ये सेब उन्हीं के गांव के सेब के बगीचे हैं। और पहली बार मैंने देखा यहाँ पे कि सेब के बगीचे हमें दिख रहे हैं। आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है, ये यहाँ से सारे सेब के बगीचे हैं। सामने भी देखेंगे आप, सामने भी सेब के बगीचे लगाए हैं। अब आई थिंक जितना हम अकपा की तरफ या जितना हम रिकांगपियो की तरफ जाते जाएंगे, हमें सेब के बगीचे काफ़ी मिलने वाले हैं। अब इन्होंने यहाँ पर तार लगाई है, नहीं तो मैं ज़रूर नीचे जाता। तोड़ने का मतलब नहीं है, बट दिखाने के लिए। ये है पोह विलेज। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, देखिए कितने खतरनाक रोड हैं, नीचे रिवर, ऊपर से पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि बिल्कुल गिरने ही वाली हैं। और अभी हम महेश जी को उड़ा देंगे। ये ताबो से 7 किलोमीटर पीछे। अब आप देखिए हम जाएंगे कहाँ से। ये देखिए, इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे से जाएंगे अभी हम, बिल्कुल नीचे से। ये देखिए, बिल्कुल नीचे से। बहुत डेंजरस है। इसमें डर लगता है कि कब जैसे कुछ गिर ना जाए। तो दोस्तों, ताबो से अराउंड 5 किलोमीटर पीछे नवांग कवांग समथिंग लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। और काजा है पीछे, अगर आप राइट हैंड जाएंगे तो कवांग कदांग ऐसा आएगा और ताबो आएगा। कृपया ध्यान दीजिए, कोविड-19 की वजह से यहाँ पर कोई गाड़ी सवारी उतार या बैठ नहीं सकता। देखो जी, समझ लो, यहाँ पे कोई सवारी उतारना बिठाना अलाउड नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं ताबो की तरफ। आई थिंक इट्स ओनली 5 किलोमीटर नाउ। आप भी नज़ारे लेते रहो, हम भी ले रहे हैं।
जो नहीं आ सकता वो हमारी वीडियो देखो, जो आ सकता है वो भी वीडियो देखो, फिर आओ तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कहाँ अच्छा है। ऐसा करो, प्रोग्राम बनाओ, पहले वीडियो देख लो, सर्च मार लो कि प्रोग्राम हमने कैसे बनाना है, किस टाइप का मौसम है। एक वीडियो मत देखो, सिर्फ एक बंदे की वीडियो मत देखो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मेरी भी वीडियो मत देखो अकेले, सबकी 3-4-5 वीडियो देखो, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो रोड कैसे हैं यहाँ पे, बीआरओ ने जो बनाए हैं, ये देखिए पत्थर ये साइड में, तो रोड बीआरओ ने, तो यार बीआरओ काम बहुत अच्छा करता है वैसे, जहाँ करता है वहाँ दिल लगा के करता है। काश पूरे इंडिया का ठेका बीआरओ को मिल जाए तो सारे रोड अच्छे हो जाएं, जो इतने कठिन रास्तों को इतने आराम से मेंटेन कर सकता है, बल मेहनत तो है, मेंटेन कर रहा है, तो जो हमारे लोअर हिमाचल हो गया या किसी और हरियाणा हो गया या आप लेके चलिए कोई और स्टेट है, वहाँ पे तो बहुत तरह से मेंटेन करेंगे वो, फिर ये करप्शन वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये आई थिंक ताबो होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है कि काफ़ी एरिया जो बंजर है, बट लोगों ने थोड़े थोड़े किलोमीटर्स के बाद, जैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उसके बाद कुछ एरिया को डेवलप किया है। आप देखेंगे सामने जो ग्रीनरी दिख रही है, आई थिंक गोप्रो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये है, ये सारे के सारे एप्पल के पेड़ हैं और एप्पल के पेड़ मेंटेन किए हुए हैं, ये मैं काफ़ी मतलब सरप्राइज हूँ। नीचे भी देख सकते हैं अल्टीमेट, बहुत सुंदर है मैम, देखो नीचे, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है यार, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। अभी देखिए क्या है यहाँ पे, कोशिश करते हैं यहाँ पे रुकने की, अगर यहाँ के पास देने के लायक जगह है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमें जगह मिल चुकी है और अभी हम 5 मिनट के लिए सिर्फ यहाँ बाहर निकलेंगे और आपको हम दिखाएंगे ये इस गांव का ब्यूटीफुल नज़ारा। तो दोस्तों ये देखिए अब नीचे साथ में नदी बहती हुई, इस तरफ देखो, ये ऊपर से पहाड़ बिल्कुल बंजर है, यहाँ देख के लगता है कुछ यहाँ पे हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए आप नीचे तक, बीच में रोड है, रोड के बाद नीचे खाई, ये भी बंजर है। जैसे ही नदी क्रॉस करेंगे, नदी क्रॉस करने के बाद सामने सेब के पेड़, और ये काफ़ी बड़ा बगीचा है यहाँ देखिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर, उसके बाद ये रोड क्रॉस करने के बाद ये तो बहुत 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 बड़ा बगीचा है, अल्टीमेट अल्टीमेट। बाकी आप देखेंगे यही ग्रीनरी पार्ट है, इसके अलावा आपको कहीं भी ग्रीनरी नहीं मिलेगी। अमेजिंग अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग व्यू है, इसीलिए टाइम निकाल के आना पड़ेगा ऑल द टाइम, बिकॉज टाइम नहीं निकालोगे तो ये ब्यूटी जो है वो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ पे भी सस्पेंशन ब्रिज है, इसमें नहीं दिखेगा, ये गोप्रो है, छोटा कैमरा है, तो वहाँ से वो जाते हैं सामने, सामने वो सारा सेब का काम करके, वहाँ पे लोग सेब की पेटियाँ भी भर रहे हैं अभी। ये जो सेब होता है ये एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चलता है। ये देखिए मेरे को एक ऐसा पत्थर मिला है, किसी को ऐसा मिल सकता है? ओशिन को ये पत्थर मिला है, देखिए बहुत ही सुंदर है, ये इसको एक नदी में से लेके आई है तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है और इसको ये घर लेके जाएगी। हाँ मैं घर लेके जाऊंगी। अब चिक्कू के पास भी एक पत्थर है, ये ताबो विलेज है। मही जी कैमरा आगे करेंगे प्लीज। ये है ताबो विलेज और ये ताबो ब्रिज। ओशिन ये ताबो है और यहाँ पे हमें पानी भी चाहिए था, पानी पता नहीं कहाँ मिलेगा। ये मतलब हम दोनों का एक बिल्कुल वाइट पत्थर। वाइट। अभी कह रहे थे कि ताबो में पानी मिल जाएगा, आई थिंक ये है, दिस इज द वाटर, ये पीने वाला ही पानी होना चाहिए वैसे, भर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये है ताबो ब्रिज और ये था जो पीछे हमने दिखाया आपको वीडियो में, ताबो गांव, जो कि एप्पल यहाँ पे बहुत होते हैं, बगीचे मुझे दो ही दिखे पर बहुत बड़े बड़े, और गांव ब्यूटीफुल है, सुंदर है।
वो देखिए सामने आपको अगर दिख रहा होगा तो सामने ये जो गाड़ियां हैं ये सेब की पेटियां भर रही हैं, और सामने जो एक टेम्पो है वो उसमें भी सेब की पेटियां भरी जा रही हैं, और ये सीधे 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 एक्सपोर्ट माल होता है, सारा एक्सपोर्ट होता है अल्टीमेट। हम तो आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन और लग जाएगा बट आराम से चलेंगे। इसके लिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क भी छोड़ दिए और कुछ छूट गए, तो चलो उसके आगे जस्टिफाई करता है। एक्सयूवी भी बहुत गंदी हो रखी है, बट यहाँ पे मैं सोचा पानी मार लेते हैं, पर यहाँ पे क्लियरली लिखा है यहाँ पर गाड़ी धोना मना है, जुर्माना 1000 रुपये। तो बिल्कुल हम रूल्स का बिल्कुल पालन करते हैं, इसलिए हमेशा रूल को फॉलो भी करना चाहिए। तो दोस्तों ये है ताबो विलेज एंड ताबो मिनिस्ट्री यहाँ पे है नीचे, बट यहाँ पे COVID-19 की वजह से जाने नहीं देंगे। और मैंने पहली ETOs देखी है यहाँ पे, 41 नंबर यहाँ के लोकल ETOs लीवा, छोटे वाली ETO से बैठा है। हाँ दो होते हैं ना, भी छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो मॉनेस्ट्री यहाँ से साथी में है, बट मॉनेस्ट्री में जैसा कि पहले ही बता दिया कि जाने नहीं देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट है, 2-4 shops हैं, 2-4 restaurants हैं, बट अभी आई थिंक वो सभी बंद होंगे। इनसे पूछते हैं सेव वालों से। अच्छा ये सेव वाला नहीं है, ये तो कुछ और ही है। ये थोड़ा मुझे ताबो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है एरिया, क्योंकि यहाँ पे मॉनेस्ट्री भी है, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी मुझे बड़ी लग रही हैं, और एरिया भी थोड़ा बड़ा इन्होंने घेरा हुआ है। SBI बैंक भी है, वाह। शिमला इज़ 366 किलोमीटर, एंड ये मॉनेस्ट्री के लिए रास्ता जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी पीछे करके, क्योंकि मैंने देखा नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ जाने तो नहीं देंगे बट फीलिंग को ले सकते हैं। ये है मॉनेस्ट्री का गेट, तो यहाँ से मॉनेस्ट्री के लिए जा सकते हैं। यहाँ से नीचे जाके मार्केट भी है, वहाँ से आपको सेब वगैरह लेने वहाँ से ले सकते हैं। हम डायरेक्टली पूछने की कोशिश की हमने इसकी सेब यहाँ पे मिलेगा, तो सबने यही कहा कि हमने ठेकेदार को ठेका दे दिया है, तो ठेकेदार ही जो है वो दे सकता है। तो ठेकेदार यहाँ से उठाते हैं सस्ते रेट पे और ले जाते हैं, जैसे दिल्ली ले जाएंगे, चंडीगढ़ ले जाएंगे, बॉम्बे ले जाएंगे, या एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर, क्योंकि सेब की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बिल्कुल रेडिश होता है, जैसा मैंने आपको दिखाया था जिन्होंने हमें पिछले विलेज में दिया था। कई तो ऐसे होते हैं सेब, जैसे हमारे चंडीगढ़ चले जाओ, उनमें उन्होंने कलर किया होता है, ऊपर से एक परत होती है वो कलर की होती है। तो यहाँ पे जो मिलेगा नेचुरल सेब मिलेगा, बिल्कुल कलरफुल होगा, इसमें कोई कलर और कलर बाहर का कोई कलर नहीं लगाया होगा उसमें, तो ये होता है। इसलिए मैं सोच रहा कि चलो 2 पेटी ले जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि आगे जो है आपको मिल सकता है, अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि सेब यहाँ पे अभी है, पेड़ों पे भी बहुत सेब लगा हुआ है अभी तक। काश हम तोड़ सकते हैं, अगर हम तोड़ेंगे तो वो हमें भगाएंगे यहाँ से। तो बने रहिए, आगे देखते हैं सेब मिलते हैं या नहीं। यहाँ से 27 किलोमीटर, अच्छा समझो यहाँ से 27 किलोमीटर है। अभी हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं, बस 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 बस, सुनने वाला के कान खराब हो चुके हैं। तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं पूरी, इंजॉय करना चाहिए तभी टाइम कटता है। भैया यहाँ पे सेब वगैरह मिलेगा कुछ खाने के लिए? हाँ खाने के लिए हो जाए तभी बच्चों को। अच्छा ठीक है ठीक है, आप कहाँ से हैं? ताबो बाहर थोड़ी, ताबो तो लोकल है यार। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई लोकल मिल जाए सेब दे दो सेब। आगे है गाड़ी, गाड़ी लेके जा रही है यहाँ से सेब। हाँ अभी इनसे पूछते हैं बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए सेब।
भाई सेब सूप मिल जाएंगे जी, सेब मिल जाएंगे भाई, पूछना पड़ना सेब वाला, हम खुद लोड करा देंगे गाड़ी। अच्छा शिमला से कहाँ लेके जाएंगे? अभी चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ जाना है मंडी में? मैं क्या थोड़े मिल जाए बच्चों के लिए, मिल जाए पेटियाँ पुटियाँ दे नहीं रहा कोई। पूछ लो यहाँ पे, यहीं साथ में ही है अंदर को। कौन है आप बोलेंगे जरा वो है? हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा ना हम गाड़ी से उतरते लोग डरते हैं कोरोना की वजह से। नहीं अच्छा, ये जगह कौन सी है भैया? जगह ये सर हुरलिंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण बोध सर। करण जी, करण जी आप यहाँ लोकल है? हाँ जी। ये सारा आप ही का है? हाँ जी। बहुत अच्छा है। एक करण जी हैं, इन्होंने हमें कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो ये 5-6 किलो सेब दिए हैं और भैया ने एक भी रुपया नहीं लिया है। भैया हमारा चैनल है यूट्यूब पे, मैं अगर यहाँ इंटरनेट चलता है हाँ जी सर, हाँ तो आपका आएगा। तो ये कितना कितना पेड़ है यहाँ पे आपका? ये है सर 200-150। अच्छा 200-150-250 इस बीच में है। तो आपका ये माल कहाँ जाता है? ये सर चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो हम भी चंडीगढ़ से ही हैं। अच्छी हाँ, तो वहाँ पे मंडी में ही आता है, 26 सेक्टर जाता होगा। अच्छा हाँ जी, हाँ 26 में जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, आपने दिया ठीक है। हाँ जी ठीक है भाई, शिमला वाले भाई थैंक यू। ठीक है तो आप कब जाओगे? कल आएंगे। अच्छा अभी लोड ही हो रहा माल। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भैया मिलते हैं। ओके ओके। तो दोस्तों हुरलिंग विलेज में हमें उनका नाम बोध भैया, उन्होंने हमें अप्रॉक्सीमेट 7-8 किलो या 6-7 किलो जो है सेब दिए। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग बात एक और है कि चंडीगढ़ एक सिर्फ एक ही नहीं है, एक और चंडीगढ़ है। एक तो हमारी गाड़ी चंडीगढ़ की है, इसके अलावा ये जो एरिया है ये भी चंडीगढ़ है। रेन शेल्टर चंडीगढ़, तो ये जो है ये है काजा में एंड ये है सेक्टर 13, चंडीगढ़ सेक्टर 13, जो कि चंडीगढ़ में तो है नहीं। चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है ना? नहीं है हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाया है, सही है। तो दोस्तों ये है चंडीगढ़ सेक्टर 13 जो कि स्पीति वैली में है। तो इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि जब इंडिया चाइना की लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम बॉर्डर पे कुछ गांव थे, जैसे कौरिक गांव था। उस कौरिक गांव को आर्मी वालों ने जो है वो पीछे कर दिया कि आप 60 किलोमीटर पीछे चले जाओ बॉर्डर से। और वहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने ये भी कहा था कि आपको जो है हम चंडीगढ़ में बसाएंगे। तो वहाँ पे तो वो बस नहीं पाए, बट जो वो गांव है ठीक है कौरिक गांव, तो वहाँ पे जो जब उसको डेवलप किया जा रहा था तो वहाँ के जो इंजीनियर थे, तो इंजीनियर्स ने जो है वहाँ पे उस गांव का नाम ही चंडीगढ़ रख दिया क्योंकि वहाँ पे तो बस नहीं सके वो। तो इस वजह से जो है इसको सेक्टर 13 के नाम से जाना जाता है। तो ये है इसकी कहानी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।